गाइस, मैं वो ऊपर दिखाना नहीं चाहता हूँ। अरे भाई, बहुत कुछ किया मैंने। मुझे पता है बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अचानक से दो वीडियो डाल दिया, उसमें से एक में तो साउंड भी नहीं है। तुम लोग बोल रहे होगे। सबसे ज़्यादा मेहनत तो मुझे एक ग्लोस्टोन इकट्ठा करने में लगी है भाई। और हाँ, मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि देखो मुझे अभी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया था। क्योंकि देखो, मेरा स्कूल का एग्ज़ाम हुआ पहले, ठीक है। स्कूल का एग्ज़ाम ठीक था, फिर मैं कर रहा था माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा, कि उसके बाद थोड़ा करके करूँगा। फिर मेरा अभी ट्यूशन का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो मेरा मार्च का, अभी मेरा फरवरी तक कुछ मतलब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी एक वीडियो अगर बना पा रहा हूँ तो बना देता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ, तो पागल मत हो जाना। और हाँ, जो पहले, रुको रुको, मैं पहले बता देता हूँ, जो पहले के मैंने दो वीडियोज़ डाले हैं जिनमें से एक म्यूटेड है, मतलब जिसमें साउंड नहीं है, वो मैं एक्चुअल में साउंड नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, मैं भूल गया था। तो इसी वजह से उसको तुम लोग को अगर स्किप करना तो कर लेना, क्योंकि वो ऑब्वियसली भाई मैंने एनचैंटिंग की है उसमें, तो फिर भी वो इतना ज़रूरी नहीं है, तो स्किप करना है तो कर लेना तुम लोग। तो अभी ये क्या है, ऊपर भी मैंने एक रूम बनाया है, यहाँ पे मैंने लिफ्ट लगा दिया है, ये मैंने ब्रूइंग स्टैंड बना दिया है, मैंने वो विलेजर्स का कंप्लीट कर दिया है। और भाई ये मतलब मैंने एकदम औसम बनाने की कोशिश की, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोस्टोन लगा और मैं इकट्ठा करके पागल हो गया हूँ भाई। और भाई मैंने ये भी किया है, नेदर पोर्टल, मैंने जो बोला था कि तुम लोग को मैंने एक डिज़ाइन सोचा हुआ है, ये है मेरा डिज़ाइन। कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई कैसा लगा तुमको ये डिज़ाइन। मुझे पता है मतलब इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल नेदर पोर्टल से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है भाई ये। और मैंने ये बालकनी भी बनाई है, मैंने ऊपर भी एक और फ्लोर बनाया। ये देखो, ये है कॉन्क्रीट और नीचे जो लगा हुआ है ये है क्वार्ट्स का स्लैब। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि इतना क्वार्ट्स तेरे पास कहाँ से आया। हाँ, ग्लोस्टोन के लिए कन्फ्यूज़ हो सकते हो, मैं वो आपको बता दूंगा। मैंने एंडर चेस्ट भी बना दिया, मैंने बहुत चीज़ें लाई हैं नेदर से। देखो, मैं फिर से गया था, मैंने बहुत चीज़ें लाई हैं, और ये नीचे भी देख सकते हो तुम लोग, मैं बना रहा था तो ये मेरे पास चीज़ें हैं। और मैं इन चीज़ों को रख के तुम लोग से मिलता हूँ। सामान तो रख दिया, अभी मुझे आप लोग को थोड़ी और चीज़ें दिखाने दो। पहली बात तो ये मैंने जो कंप्लीट किया तो किया, मतलब मैं अभी आपको अपना नेदर मतलब ये चेस्ट खोल के दिखाता हूँ, मतलब तुम लोग पागल हो जाओगे देख के। ये देखो भाई, मतलब मैंने पूरा एनचांट किया है अपना, पूरा जितना गियर मैं एनचांट कर सकता था। अभी के लिए तो मैं यही आयरन वाला यूज़ करने वाला हूँ। और ये देखो, यहाँ पे एक सिल्क टच है जिसमें, और यहाँ पे सिल्क टच नहीं है, फॉर्चून है। एक शार्पनेस लगा हुआ है, शार्पनेस 5, 13 अटैक डैमेज है। और ये इसमें शार्पनेस की जगह बेन ऑफ वाताफोर्स लगा हुआ है, जैसे कि हर में होता है। और ये शील्ड में मैंने मेंडिंग लगाई हुई है। और ये जो अलग अलग पिकैक्स है, ये इनमें सिल्क टच है, मस्त बनाया है मैंने। और इसमें देखो, इसमें क्या है ना, अगर हम मेंडिंग लगाते तो इन्फिनिटी नहीं लगता, तो इसमें इन्फिनिटी है, इसमें मेंडिंग है, इन्फिनिटी नहीं है, तो वैसा ही है। इसके लिए एक एरो भी चल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे एरोज चाहिए होंगे, क्योंकि तो मेरे पास है प्रोबेबली, मतलब अभी मैं सिर्फ नेदर में जा रहा हूँ दिखाने के लिए, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं पूरा गियर पहन लेता हूँ, एंड ये हेलमेट, क्योंकि नेदर में मुझे लोग मारे ना। और मेरा स्वॉर्ड और ये शील्ड। चलो, हम नेदर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी पहले तो मैं तुम लोग को कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। तो देखो, ये मैंने बस बना दिया सब कुछ, और मतलब इस वर्ल्ड में सिर्फ घर में ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है। और ये लोग बहुत डिस्पॉन हो रहे हैं भाई, तो मैं इनको और ज़्यादा ब्रीड करवाता हूँ, पर चिकन फिर भी डिस्पॉन हो जाते हैं जल्दी। और मेरे घोड़े तो बचे ही नहीं हैं, तो मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा घोड़े घोड़े ढूंढने के लिए, या फिर दो घोड़े रख के उनको ब्रीड करना पड़ेगा। और हाँ, मैंने तुम लोग को ऊपर का फ्लोर नहीं दिया ना, वैसे भी उसमें दिखाने को कुछ ज़्यादा है नहीं। और ये देखो, ये लिफ्ट में देखो, यहाँ से मैं नीचे आ सकता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो ये देखो, ये फ्लोर भी मस्त लग रहा है। और ये मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया, मतलब 4x4 का बनाया मैंने, मतलब 4 का बनाया, सॉरी 4x, ये यहाँ पे 10 है, 4x10 का बनाया मैंने। और ये मेरा बेडरूम होगा, इसके ऊपर मैं वो लगाऊंगा, इसका भी बालकनी बनाऊंगा मैं, हर साइड से दरवाज़ा रख के। यहाँ पे तो इस तरफ तो मैंने एक साइड पर ही दरवाज़ा लगाया है, वहाँ पर मैं हर साइड दरवाज़ा लगा के सेम टू सेम बना दूंगा। और उसके ऊपर मैं वो लगाऊंगा वेदर से फाइट करने के बाद। अरे हाँ, ये जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इकट्ठा किए थे, सो ओके, मेरे को ब्रेड लेना था वैसे यहाँ से। ओके, चलो हम लोग तैयार हैं नदर में जाने के लिए। और हाँ, मैंने ये रो यहाँ पे बाहर में सिर्फ इतना किया, ये रोड में लगा दिया मैंने, ये पूरा का पूरा रोड में मैंने ग्लोस्टोन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं रहती थी, और टॉर्च लगाऊँ तो अच्छा नहीं लगता था ना। और भाई अभी मुझे ये मतलब एकदम चुम्मेश्वरी लगता है, एक सेकंड रुकना। ओ भाई साहब, मतलब चलो चलो जल्दी चलो,
और भाई मैंने बहुत सारा आयरन गोल्ड सब कुछ इकट्ठा किया। मैं बैशियन रेमंड भी लूट के आया, बहुत कुछ किया है, विलेजर्स का कंप्लीट कर दिया। हाँ भाई इतना बड़ा ब्रेक ले रहा हूँ तो कुछ तो करूँगा ही ना, इसलिए मैंने कुछ किया, बहुत कुछ कर दिया सिंपल है भाई। तो मुझे नीचे जाना है पहले तो। अरे नहीं 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 नेदर में मेरा लैग मारता बहुत है यार, ये देखो यहाँ से नीचे। अरे भाई जा ना भाई, इतना मस्त मैंने बनाया, अब ये जाएगा नहीं तो कैसे होगा ना भाई। देखो सारे चेस्ट फुल नहीं है, दो चेस्ट फुल है। ओके इस तरफ भाई चल। ओ ये बॉयस देख रहे हो, देख रहे हो दूसरे में आयरन लगा है इसलिए मैंने दूसरा रेल कम बनाया, और इसमें गोल्ड लग रहा था क्योंकि गोल्ड मुझे यही से मिल रहा था। अरे हाँ ऊपर भी एक चीज़ है देखो, मतलब मैंने अपना फॉर्च्यून पिकेक्स लाके आयरन वाला इतना किया है ना, और ये जो छेद है ना ये उसके लिए, मतलब इतना मस्त मैंने किया है ना, मुझे खुद लग रहा है भाई क्या मस्त बनाया मैंने। लिटरली यहाँ पे मैंने पूरा कॉबल स्टोन से बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ठीक है, तुम लोग मजाक में मत लो। ये फॉर्च्यून से मैंने ग्लो स्टोन इकट्ठा किया, इसलिए ये मेरा सबसे कम मुश्किल का काम नहीं था भाई, सबसे मुश्किल यही था ग्लो स्टोन ढूंढना नेदर में, सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए। क्योंकि ग्लो स्टोन मिल जाता है लेकिन वो भी लावा के ऊपर मिलता है, वो मेरे घर के पास भी था, वो भी लावा के ऊपर था, वो मैंने तोड़ा नहीं क्योंकि रहने दो भाई घर के पास है तो घर के पास कुछ मतलब नेदर है पोर्टल के पास ठीक है। और जो सामने गैप निकला हो एक क्रिम्सन फॉरेस्ट है ऐसे, सामने मैंने बहुत गैप छोड़े हुए हैं ताकि अगर मुझे रुकना हो तो मैं रुक सकूँ, फिर भी मैं मुझे रुकना होगा तो मैं एक्स्ट्रा माइनकार्ट लेके आऊँगा, अभी नहीं रुक सकता मैं। उस तरफ भी मैंने एक चेस्ट, देखो यहाँ पे वो ग्रीन कलर का जो फॉरेस्ट रहता है वो था। अगले एपिसोड में प्रॉबेबली मैं वेदर से लड़ूंगा, तुम लोग सोच रहे हो कि क्या पागल हो गया है क्या। अरे भाई ये बहुत लंबा है, मैं पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, मैं बोलने वाला तो पहुंच के करता हूँ, तो मैं पहुंच गया। सो यस गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, ये मैंने बस बना दिया है उत्तर, ये मैंने बस बना दिया, इसमें मैंने कुछ कुछ नहीं किया वैसे चेंजेस, ठीक ठाक लग रहा है। मैं यहाँ पे बस तुम लोग को ये दिखाने के लिए आया, मालूम है कितना प्रो हूँ मैं। चलो यार चलो तुम लोगों से मैं वहाँ पे अपने बेस में पहुँच के मिलता हूँ, मतलब नेदर का बेस। सो लेट मी मीट यू इन 1 मिनट गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने बेस में। तो चलो गाइस हम अभी तुमको दिखाते हैं कि ऊपर हमने कहाँ रखा हुआ है भाई। लिटरली ये मैंने ना सच बता रहा हूँ, मैंने गलती से इतने सारे बना दिए, मैंने मतलब आयन खोद के आया, मैंने सोचा चलो भाई बना देते हैं क्या जाएगा, और मैंने इतने सारे बना दिए। लिटरली मेरे आयन कितना आयन हुई हुआ मेरा, मैं सच में बोला भाई मैं पागल हो गया हूँ, मैं माइनक्राफ्ट में मर ही जाऊँगा। ओ भाई देखो देखो देखो, देखो, देखो कैसे काम कर रहा हूँ मैं। Here you see, there are people there. अच्छा ब्रो ये इनको मैं गोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं चीज़ें रखता हूँ, यहाँ बोल सकते हो उस पोर्टल को बनाने में इन्होंने भी बहुत मदद की है मेरी। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो लेनी पड़ेगी, ये मैं तब पीऊँगा जब मुझे ज़रूरत होगी, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो डाउन, ध्यान से बेटे ध्यान से ध्यान से ध्यान से। यहाँ पर मुझे हमेशा इतनी चोट नहीं लगती भाई, आज बहुत चोट लगी मुझे, कौन मुझसे फाइट करना चाहिए, कोई नहीं ठीक है चलो नीचे। ये तुम लोग को मैंने एक बार दिखाया था, यहाँ पे मैंने नेदरराइट माइनिंग करनी थी और मैंने कर ली। ओ भाई मैं पागल हूँ मुझे। अरे यार ये देखो भाई बेड से मैंने धमाके कर करके रखे तो हुए हैं, लेकिन मैं पागल हूँ इतना, मैंने ना ब्लॉक्स लाए यहाँ पे चढ़ने के लिए, ना मैंने डायमंड पिकैक्स लाया नेदरराइट माइन करने के लिए, भाई मैं पागल ही हूँ यार। मैं सुनो भाई मैं अभी डायरेक्ट यहीं पे तुम लोगों से मिलूँगा ब्लॉक्स के साथ और अपने एंडर चेस्ट के साथ, मतलब यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे मिलूँगा मैं तुम लोगों से इन ए सेकंड। Hey guys, मैं आ चुका हूँ आकाश। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं डम लगूंगा, मैं डम हूँ।
टाइम सॉरी, मैंने अभी मतलब दो तोड़ लिए, लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड कर नहीं कर रहा था। सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं कुछ भी तो मैं सामान लेके आया। मैं अभी दो तोड़े हैं मैंने, दो तो अभी तक तो मैंने तोड़े हैं, और बाकी मुझे अभी तोड़ने हैं। और वैसे मैंने पहले के लिए इतना कुछ किया नहीं था, डायरेक्ट तोड़ लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं ये आग में ना गिर जाए, इसलिए मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ। आ जा एंशिएंट डेब्री। वैसे तुम लोग को बता दूँ भाई, किधर गया एंशिएंट डेब्री? कहाँ गया भाई? कहीं आग में तो नहीं गिर गया ना? मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। अरे यार, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं बात करते करते गिरा देता हूँ कहीं पे। तो देखो 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 देखो, किधर है किधर है, कहाँ पे था मुझे वो भी याद नहीं है, वरना मैं देख लेता। यहाँ पे बहुत सारे ये छोटे छोटे बैठे हुए हैं। मैं देखो गाइस, मैं यहाँ पे देखो, मैंने सब में टॉर्चेस इसीलिए लगाए हुए हैं, मुझे पता चले कि वो कहाँ पे गिरा है, मतलब कहाँ पे है, मैं कहाँ से तोड़ रहा हूँ। देखो मैं वो वाला ढूंढ लूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं वैसे भी और फोड़ने वाला हूँ। मुझे सब कुछ नेदरराइट का बनाना है, और ये भी सो मैंने इसीलिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कि मैं बस नेदरराइट लाने तक का बता सकूँ। इसके बाद मुझे और ज़्यादा जब नेदरराइट मिलेंगे तब तो मैं डायरेक्टली माइन कर लूँगा वहीं से, बस मैं रुकूंगा नहीं, मतलब तुम लोग को दिखाने के लिए मैं नहीं रुकूंगा। वैसे मैं माइन कर लूँगा, तब क्लिप रिकॉर्ड कर दूंगा माइन करते वक्त, और उसके बाद तुम लोग को मैं वीडियो में दिखा दूंगा वो क्लिप्स। लेकिन भाई इन लोग को, इन्हें ना बेड से तोड़ना ना बहुत, मतलब मेरे पास 3 4 5 तो मेरे पास होने चाहिए अभी, ये 3 प्लस वो 4, और वो 3 पहले के, ठीक है मेरे पास 7 है अभी तक, तो एक भी और नहीं छूटा है। और यहाँ पे तो इतने ही थे मुझे याद है, बाकी उस साइड है, वहाँ पे लावा भी है, तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं शायद पी लूँ अपना पोशन पहले, तो भाई मैं इतना अंदर रख देता हूँ, पहले से ही मैं एक खो चुका, मैं और बाकी नहीं खोना चाहता कहीं पे मर के। लिटरली ये डायमंड का जो मैं मेरा पिकैक्स है, ये भी खो लूँ, खो जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो एंशियंट डेबरी नहीं खोना चाहिए। और बाकी कहाँ था भाई? यहाँ से सामने था ना वो। अरे भाई, यहाँ के टॉर्चेस कैसे हट गए? यहाँ पे टॉर्चेस लगाए थे ना एंशियंट डेबरी पे। अरे यार, कहीं कैसे तो ये टॉर्चेस अभी हट गए हैं, किस्मत ही खराब है भाई, किस्मत ही खराब है। ये ऊपर एंशियंट डेबरी, ये एक ये एक ये एक, मुझे याद था यहाँ पे 3 है, अच्छा हुआ, वरना भी मैं सोच रहा था कहाँ गए सारे एंशियंट डेबरी, गायब कैसे हो गए। एक वहाँ ऊपर, और बाकी एक तीरा। और भी मुझे ढूंढना है, लेकिन उससे पहले मैं सच बता रहा हूँ, ये करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी भाई। मेरे पास बहुत हो गए यार, मुझे नहीं पता था कि इतना नीचे इतने सारे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं जब बैट टेक्निक यूज़ कर रहा था मुझे लगा मुझे कम मिलेंगे, मैंने एक दो फोड़े मुझे पास में मिल गए तो मैं खुश हो गया था, अभी तो मुझे और ज़्यादा मिल रहे हैं। और उस तरफ और होंगे, मुझे दिख नहीं रहे यहाँ से, एक दिखा उस तरफ, बहुत रखे थे मैंने, मुझे याद है इतना तो। ओ, मुझे वो वाला खोया हुआ मिल गया, देखो इन्वेंटरी में 2 हो गए, मैं अभी सारे रख के आया और 2 हो गए, तो मुझे मिल गया जो खो गया था, मुझे मिल गया। और वहाँ पे उस तरफ नहीं हटे हैं टॉर्चेस, अच्छी बात है भाई, क्योंकि इसके पास आसपास और मुझे पता है एक और है, वहाँ पे 2 थे ये इस एरिया में। अभी तो भग भग चले, भग 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 भग, ओके मर जाओ मर जाओ।
मेरे हर टूल में मेंडिंग लगा हुआ है, खुद ही रिपेयर हो जाता है ये। बस मुझे ये थोड़ा सा रिपेयर करने का देखना पड़ेगा, मैं मारने के बाद रुक जाऊंगा ऐसे हो जाता है, मुझे मालूम है। दूसरे हाथ में नहीं रख सकते, एक डिसएडवांटेज यही है। आ जाओ बच्चों, मचाओ मचाओ मचाओ। अरे यार तुम मरो यार, मुझे एंशिएंट डिवरी लेके ये वीडियो बंद करना है, मुझे अपने एरोस भी चाहिए। तो निकल सकोड़े, निकल सकोड़े। यार मैं सबको मार के मिलता हूँ यार। मैंने यहाँ पे बहुत रखे हुए हैं तो देख लो, ये मैं पहला तोड़ रहा हूँ यहाँ का। ओ भाई फिर से कहाँ से आ गए ये, कॉन्स्टेंटली इतने कैसे स्पॉन हो रहे हैं भाई, इतने तो कॉन्स्टेंटली स्पॉन होते हैं, मैंने कभी देखे नहीं है भाई। अरे मैं तोड़ रहा था यार, क्या करते हैं भाई ये लोग भी। अभी अगर तुम्हारी वजह से मुझे ये मिला नहीं ना, तो देखो भाई तुम लोग का मैं क्या हाल करता हूँ। यार कहाँ गिर गया, अगर मुझे इनकी वजह से मिला नहीं ना, पूरा खानदान खत्म कर दूंगा यहाँ से इनका। हो रहा चलो भाई, और ये तो मैंने टॉर्चेस लगाए हैं, कहीं से टॉर्चेस उठ गए ना तो मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा, कैसे उठ गए पता नहीं। ये लोग जंप करते हैं तो, ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने एंशिएंट डिवरी लगा दी यार यहाँ पे। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ इनकी वजह से। अरे मरो मरो, तुम लोग कितना भी कुछ कर लो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, एक्सपी ये लेके खुद ही हील हो जाता है। आ जाओ ना बच्चों, क्या कर रही हो, आओ ना भाई। क्या भाई कहाँ से भाई। चलो चलो सब हो गया। ओ क्या भाई मैं मरा कैसे, मैं जल्दी से जा रहा हूँ यार वहाँ पे। मैंने सोच लिया भाई ये नेदरराइट, जब मैं बेड फोड़ने रहा था एक भी नहीं था, अभी इतने सारे आ गए। मैं जल्दी जाता हूँ, मिलता हूँ वहीं पे तुम लोगों से। अरे जैसे तैसे करके मेरा सामान तो मिल गया, लेकिन ये लोग मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं मार जाऊँगा सबको बोल रहा हूँ, ये मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ लिटरली। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं ना, अगर मैं चल नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे मारूंगा यार। अरे किधर है भाई, किधर से मार रहा है, ये दो तो उठा ही लेता हूँ। कहाँ से मार रहा है, पीछे से आगे से पता ही नहीं चल रहा। ये उठा लेता हूँ मैं, ये एक हो गया, ये दो। अरे मारने को भी तम नहीं है मेरे को ये लोग का, मतलब मार के मर जाते हैं यार, क्या है कहूँ मैं। वहाँ एक है और इसे मैं तोड़ता हूँ, और ये मुझे ये मिल गया। मैं कूद क्यों नहीं पा रहा अभी अभी, हो रहा एक और। मैं उसके ऊपर ही मिलूंगा भाई, अभी लास्ट वाला है शायद। कहाँ गया, ओके और कुछ बाकी है, और कोई वाला मुझे तो नहीं लगता और कोई बाकी होगा। मैंने एक एक करके सारे तोड़े, फिर भी मैं एक बार घूम लेता हूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ, और उसके बाद मैं तुम लोग के वो नेदर रेड चेस्ट चेस्ट मतलब सोच लो भाई, मैं वहाँ पे मिलूँगा, उसके बाद वीडियो एंड कर दूँगा। तो मैं तुम लोग से अभी मिलता हूँ, ठीक है।
मैंने हो गया मेरा, मैंने थोड़ा इधर उधर घूम के देख लिया और कुछ बचा नहीं है। ओ शिट, मेरे पास 16 है, मतलब मैं 4 बना सकता हूँ। मैं अपना पूरा का पूरा गियर तो यहाँ पर मैं पहले शिफ्ट कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ से वो लोग वापस आ जाएंगे। लिटरली मेरा गियर इतना, मैंने सोचा भी नहीं था इतना खराब हो जाएगा। मेरा शूज किधर है? टूट गए मेरे शूज भाई, शूज में मैंने, मेरा अनब्रेकिंग लगा हुआ था भाई, मुझे एक नया शू बनाना पड़ेगा यार। भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ना कभी तुम माइनक्राफ्ट मत खेलना भाई, मेरा हालत जो हुआ है ना वो सेम हालत तुम्हारा होगा। ये भाई सिल्क टच दे दो मेरे को बस, और ये भी रख ही देता हूँ, इसका इतना कुछ ज़रूरत नहीं है फिर भी रख ही देता हूँ। और ये मैं लेके जा रहा हूँ। गाइस ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे वेदर फाइट, जिसमें मैं पहली बार अपना डायमंड का पूरा गियर यूज़ करूँगा। तो बी श्योर टू चेक द नेक्स्ट वीडियो आउट, जो कि मतलब प्रोबेबली मैं बोल सकता हूँ कि मार्च में आएगा, मार्च सॉरी फरवरी के मतलब बीच में आएगा, या फिर जल्दी भी आ सकता है। मैंने गोल नहीं पहना हुआ है, ऑब्वियसली मुझे मारेगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ इसको मारने के 2 महीने बाद।